एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन योर चेतना। और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 इजी हेयर स्टाइल विथ फ्रंट बैंग्स। यू नो, अभी मैंने रिसेंटली अपने फ्रंट बैंग्स जो है वो कट किए हैं घर पर ही, तो मुझे अलग अलग हेयर स्टाइल करने का मन करता है। तो मैंने 8 हेयर स्टाइल का ये वीडियो फिल्म किया है, जिसके अंदर आप 8 तरीके से अपने बैंग्स को स्टाइल कर सकते हो। सो गाइस, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पे कौन कौन सी हेयर स्टाइल जो है वो फ्रंट बैंग के साथ में सेट करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए गाइस। आप लोग कमेंट कर रहे हो बट आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेरे किसी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, आप ज़रूर विनर होंगे। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने यहाँ पर हेयर स्टाइल जो है वो कैसे स्टाइल करी है। नंबर 1 हेयर स्टाइल के अंदर मैंने अपनी हेयर को जो है वो स्ट्रेट कर लिया है और अपनी फ्रंट्स बैंग्स को भी जो है वो स्ट्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे वेवी भी बना सकते हैं अपने हेयर को, और आप चाहें तो कर्ल भी कर सकते हैं। आप जैसी भी स्टाइल करोगे उसके अंदर ये हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और न्यूड लिपस्टिक और बोल्ड काजल के साथ में, और कोई भी हाई नेक टी शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हो, या फिर फ्रॉक वियर कर सकते हो, या वन पीस वियर करके अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड हेयर स्टाइल के अंदर मैं बनाने जा रही हूँ एक पोनी। आपको कॉम से लूज पोनी बनानी है और अपने फ्रंट बैंग को वैसे ही रखना है जैसे आपने फर्स्ट हेयर स्टाइल में बनाए थे। और पोनी जो आप बना रहे हो उसको थोड़ा सा लूज छोड़ना है, तो इससे जो लुक आएगा वो बहुत अच्छा लुक आएगा। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कर सकते हो गाइस, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपनी सेकंड हेयर स्टाइल को बनाया है मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए मैंने जो लूज पोनी बनाई थी उसको मैं ओपन कर दूंगी और फिर से अपने हेयर को कॉम करते हुए फिर से एक पोनी बनाऊंगी। इस बार जो आपको पोनी बनानी है वो थोड़ी हाई पोनी बनानी है। आपको एक बड़ा मोटा रबर बैंड लेना है और उसको उसकी हेल्प से जो है आपको हाई पोनी बनानी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और अपनी फ्रंट बैंग को वैसे ही रखना है, तो ये भी बहुत ही क्यूट लुक देगा आपको। ये छोटे बच्चों पर भी अच्छा लगता है, और अगर आप बड़े हो और मेरी तरह हो तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, एकदम परफेक्ट लुक है ये। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे ये लुक बहुत बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो इसके अंदर आप अपने स्ट्रेट हेयर भी रख सकते हैं, या फिर अपने हेयर को कर्ल भी कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। दोनों ही हेयर के लिए एकदम परफेक्ट हेयर स्टाइल है। अपनी नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैं दोनों साइड से, यानी कि लेफ्ट ईयर के यहाँ से और राइट ईयर के यहाँ से दो फ्लिक्स निकालूंगी। आप चाहें तो पोनी को ओपन करके कॉम की हेल्प से भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ। तो मैंने जिस तरीके से साइड फ्लिक्स निकाले हैं उस तरीके से आपको फ्लिक्स निकालने हैं। उसके बाद अगर आपकी पोनी बिगड़ चुकी हो तो उसको फिर से कॉम करना है, जिस तरीके से मैं कॉम कर रही हूँ। और आपको फिर से हाई पोनी ही बनानी है, आपको लूज पोनी नहीं बनानी है, और बड़ा वाला रबर बैंड ही यूज़ करना है जो मैंने इससे पिछले वाली हेयर स्टाइल में यूज़ किया था। उसके बाद में जो मैंने हाई पोनी बनाई है उसको एक ट्विस्ट देते हुए आपको पिन की हेल्प से स्टिक करना है, बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एक हाई बन बनाना है आप लोगों को, इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लोगे। तो आप देख सकते हैं ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगेगा, एकदम परफेक्ट लुक दे रहा है, बहुत ही क्यूट हेयर स्टाइल है ये भी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए आपने जो साइड में से लेफ्ट और राइट में से जो फ्लिक्स निकाले थे उनको पिन की हेल्प से पीछे की साइड सिक्योर कर लेना है, जिस तरीके से मैंने सिक्योर किया है। उसके बाद में आप चाहें तो स्कार्फ ले सकते हैं और आप चाहें तो एक हेयर बैंड ले सकते हैं क्यूट सा, और उसे अपने बैंग्स के पीछे लगा देना है। अगर आप स्कार्फ लेते हैं तो आपको इसी तरीके से हेयर डिज़ाइन करना है स्कार्फ को, जिस तरीके से मेरे हेयर बैंड पे डिज़ाइन है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको बीच में पार्टीशन करना है अपने हेयर का, और दो ब्लैक पिन लेनी है, उनमें आपके बैंग्स को हाइड करना है अपने लॉन्ग हेयर के पीछे। आप देख सकते हैं दोनों साइड में मैं जिस तरीके से हाइड करी उस तरीके से आपको हाइड करना है, और बीच में जो आपने पार्टीशन किया है वहाँ पे सिर्फ एक या दो ही बहुत ही पतले पतले बैंग्स आपको छोड़ने हैं। तो ये भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, बहुत ही सुंदर लगेगा गाइस, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, और ना भी हो तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्यूट सा, मतलब कि बहुत परफेक्ट लुक देगा। नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको साइड पार्टीशन करना है, और आपके जो फ्रंट के बैंग्स हैं उनको आपको आगे लेना है, और इसके ही इक्विवेलेंट जो लॉन्ग हेयर हैं उनको पीछे की साइड पिन से सिक्योर कर लेना है जैसा कि मैं करूँगी, और आगे वाले बैंग्स को ऐसे ही छोड़ देना है। तो वो एक सिंपल सा, और अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो अपने बैंग्स को इस तरीके से स्टाइल करके भी जा सकते हो, ये भी एकदम परफेक्ट लुक है, बहुत अच्छा लुक आएगा। अगर आप जीन्स टॉप और वेस्टर्न ड्रेस कोई भी वियर करते हो तो बहुत अच्छा लुक है ये। उसके बाद जो लास्ट हेयर स्टाइल मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसमें आपके फ्रंट बैंग्स को वैसे ही रखना है साइड पार्टीशन में, और आपके पीछे के हेयर को अच्छे से लेना है और उनको हल्का सा पफ करना है ट्विस्ट करते हुए अपने बालों को, और पफ करने के बाद में आपको जो है पिन से उन्हें सिक्योर कर लेना है जैसे कि मैं करूँगी। तो पीछे की साइड में हल्का सा पफ दिखेगा और आगे के बैंग्स बहुत सुंदर दिखेंगे। ये भी पार्टी वेयर लुक के लिए बहुत ही परफेक्ट हेयर स्टाइल है, और ऑफिस के लिए भी बहुत ही परफेक्ट और अच्छा हेयर स्टाइल है। तो आप इस तरीके से इस हेयर स्टाइल को बना के जा सकते हो, बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है ये। आई होप गाइज आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों के भी फ्रंट बैंग्स हैं और आप डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और वुमेन भी हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें गाइज। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू गाइस, बाय बाय।